हेलो एंड वेलकम टू इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। पुरुषों के मैच में महिला, जी हां, आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी लेकिन ये सच है। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक मेंस वनडे मुकाबलों में अंपायरिंग करने वाली पहली फीमेल अंपायर बन गई हैं। क्लेयर पोलोसाक ने नामीबिया और ओमान के बीच हुए वर्ल्ड लीग क्रिकेट डिवीज़न 2 के फाइनल मुकाबले में अंपायरिंग करी। क्लेयर पोलोसाक की बात की जाए तो उन्होंने 2016 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुए वनडे सीरीज़ में डेब्यू की थी एज ए अंपायर के रूप में। इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड और भारत के बीच T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भी अंपायरिंग की है। पुरुषों के वनडे मुकाबले में अंपायरिंग को लेकर क्लेयर पोलोसाक ने कहा कि मैं पुरुषों के वनडे मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनकर बहुत रोमांचित महसूस कर रही हूँ। एक अंपायर के रूप में मैंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। महिला अंपायरों को प्रमोट करना बहुत महत्वपूर्ण है और महिला निश्चित रूप से अंपायरिंग कर सकती हैं। बाधाओं को तोड़कर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है ताकि ज़्यादातर महिलाएं इस भूमिका को निभा सकें। क्लेयर 2017 में महिलाओं के वर्ल्ड कप में 4 मुकाबलों में अंपायरिंग कर चुकी हैं। इसके अलावा क्लेयर ने बिग बैश लीग के मुकाबलों में भी अंपायरिंग करी है। ऐसे में इंटरनेशनल क्रिकेट में एक महिला अंपायर के रूप में सामने आना क्लेयर के लिए काफ़ी अच्छा है। वहीं ये दूसरी महिलाओं के लिए भी एक एग्जांपल सेट करना है कि अगर आपको पुरुषों की बराबरी करनी है तो आपको आगे आना होगा, जैसे कि क्लेयर ने आगे आकर ये फैसला लिया है। चलिए हम भी देखते हैं कि क्लेयर के बाद अब कौन सी महिला अंपायर होगी जो पुरुषों के मुकाबले में अंपायरिंग करती नज़र आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ आप हमारे इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें।